अस्सलाम वालेकुम, मैं नदीम शेख, एक्स कारपोरेटर। आज हमने शहर औरंगाबाद वार्ड नंबर 46 किराड़पुरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से फॉर्म भरा है। मुझे उम्मीद है हमारी पार्टी, हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी और मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कि हमारे ऊपर भरोसा करेंगे और हमारे शहर और वार्ड के डेवलपमेंट की और हमारी कौम की खिदमत करने का एक मौका देंगे। और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ज़रूर हम इस काम के लिए हर तरीके हर वक्त हमारी कौम के, हमारे वार्ड के, शहर के लोगों के लिए खड़े रहेंगे। यही मैं मेरे लीडर से, मेरे शहर के, मेरे वार्ड के तमाम जिम्मेदारों से उम्मीद करता हूँ कि मुझे औरंगाबाद शहर किराड़पुर से कारपोरेटर बनाने के लिए मैं उनके लिए हर वक्त तो खड़े रहेंगे। इतना ही मुझे बोलना है। सलाम समझ भाई, जी पीछे मैं किराड़पुर से इलेक्शन लड़ा था। उस वक्त तो हमारे जो मालेगांव शहर के मुक्ति इस्माइल कासमी साहब है वो राष्ट्रवादी में थे। पीछे असेंबली में हम सब लोग ने एमआईएम में समर्थन किया। तो मैं, हम पार्टी के मानने वाले हैं, जिस पार्टी में रहते उस पार्टी का व्हिप का उल्लंघन नहीं करते, पार्टी के साथ रहते। हमारे लीडर राष्ट्रवादी में थे तो हमने राष्ट्रवादी से लड़ा। अभी हमारे एमएलए मुक्ति इस्माइल साहब एमआईएम में है और अल्लाह ने उनको मालेगांव शहर से इज्जत से नवाजा, एमआईएम पार्टी से, इसीलिए किराड़पुरे से हम एमआईएम पार्टी से ही लड़ेंगे। और रहा सवाल कि मैं मालेगांव का है, मैं प्रॉपर औरंगाबाद का है। मेरा बचपना, मेरी पैदाइश, मेरा काम सब किराड़पुरे से है। राज ऑटो शोरूम में मैं आठ साल जॉब किया। सिड़कों सिस्या कॉलोनी में मेरा घर है। किराड़पुरे में पानी के बम्बे के पास प्रॉपर मैं 12 साल रहा। मैं औरंगाबाद का ही प्रॉपर हूँ और इंशाल्लाह औरंगाबाद के लोग ही ये बात प्रूव करके मुझे आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में उम्मीदवारी को इज्जत से नवाज अच्छा, के बताएंगे कि मैं औरंगाबाद के ही है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, सैयद अब्दुल मतीन का समर्थन रहेगा आपको? सैयद अब्दुल मतीन एक इंसान और इंसानियत हर काम के लिए खड़े रहने वाला लड़का है। सैयद अब्दुल मतीन जैसे अगर कोई भी मुसलमान जेल में रहेंगे तो नदीम फीडर, नदीम कारपोरेटर कभी ये नहीं देखेगा कि वो एमआईएम के है या राष्ट्रवादी के है। हम कौम के हमदर्द है, कौम के लिए खड़े रहने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह सैयद मतीन जैसे कितने भी लोग जेल में रहेंगे तो नदीम खड़े रहेंगे और उनको जेल से रिहा करने के लिए लेके आएंगे। अच्छा इस बार अगर एमआईएम आपकी तरफ ध्यान नहीं देती? एमआईएम इंशाल्लाह ताला ज़रूर ज़रूर ध्यान देंगी। और अगर हमारे लीडर ने हमको टिकट नहीं दिया, किसी को भी टिकट दिया, तो हम पार्टी के मानने वाले हैं, हम पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी का पूरा पूरा कॉपरेट करके हमारी पार्टी आगे कैसे बढ़े हम ये काम करने वाले लोग हैं। लेकिन पिछले इलेक्शन में तो आप पार्टी के अपोजिट खड़े थे। पिछले इलेक्शन में हम राष्ट्रवादी में थे, हम ये असेंबली से एमआईएम के अंदर समर्थन करें और जब हमने समर्थन करें तो शहर मालेगांव हमारी मिसाल है। 1,40,000 से हमारे आमदार है।